दोस्तों, टिड्डे एक ऐसे कीट होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये एक होकर झुंड बना लेते हैं। और अगर इन टिड्डों ने झुंड बना लिया तो ये पेड़ पौधों की हरियाली को खत्म कर देते हैं, और यही कारण है कि इन टिड्डों को किसानों और खेतों का दुश्मन कहा जाता है। इन टिड्डों के पास 6 पैर होते हैं, जिससे ये काफी लंबी छलांग लगाने में सक्षम होते हैं। अगर बात करें इनके आकार की, तो इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। साथ ही इनके पास काफी लंबे पंख होते हैं, जो इन्हें लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। इन टिड्डों के पास हरा रंग होता है, जिसके कारण ये हरे पेड़ पौधों में आसानी से छिप जाते हैं। आपको बता दूं कि इनका शरीर खंडों में बटा होता है, जिसके कारण इन्हें झुकने और मुड़ने में काफी आसानी होती है। इनके पास एंटीनास भी मौजूद होते हैं, जो गंध और स्वाद का पता लगाने में मदद करते हैं। साथ ही इनके पैरों में भी स्वाद का सेंसर मौजूद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में इनकी लगभग 11,000 प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन टिड्डों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, और इस दौरान ये अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित और नमी वाले जगहों की तलाश करती है। जी हाँ दोस्तों, इस टिड्डे के अंडे देने की प्रक्रिया बहुत ही कमाल की होती है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो जैसे ही इसे कोई सुरक्षित और नमी वाली जगह मिल जाती है, उसके बाद ये उस जगह पर एक छेद बनाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि इस मादा टिड्डे के शरीर का पिछला हिस्सा बहुत ही नुकीला होता है, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से जमीन पर छेद कर सकती है। जिसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही इसके पेट वाला हिस्सा भी काफी स्ट्रेचेबल होता है, जो 1-2 सेंटीमीटर तक आसानी से खींच जाता है, जिसके कारण इसे अपने अंडे और गहराई पर देने में आसानी होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि ये टिड्डे जमीन पर छेद किए बिना ही अंडे देना शुरू कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये टिड्डे अपने अंडों पर एक झाग जैसी चीज भी छोड़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जिसके बाद ये झाग मिट्टी से मिलकर अंडों के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। ये टिड्डे एक बार में 10 से 300 अंडे दे देते हैं, और ज्यादातर अपने अंडे देने के लिए रेत और पतझड़ जैसी जगहों का चुनाव करते हैं। तो जैसे ही अपने सारे अंडे दे देते हैं, उसके 8 से 10 महीनों बाद जब गर्मियों का मौसम आता है, तब इन अंडों से
बच्चे निकलने शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन टिड्डों के अंडे जमीन के अंदर होने के कारण इन्हें हैच होते हुए देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं और इन्हें निम्फ कहा जाता है। तो जैसे ही अपने अंडों से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये सीधे पेड़ पौधों की पत्तियों पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि पैदा होने के बाद ये सिर्फ खाने पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप इन बच्चों को ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल ये वयस्क टिड्डे की तरह ही दिखाई देंगे, लेकिन छोटे होने के कारण इनमें बहुत से अंगों का विकास होना बाकी रहता है। तो जैसे ये अपनी खुराक शुरू करते हैं, उसके बाद ये सिर्फ रात को आराम कर पूरे दिन भर खाते ही रहते हैं और इस तरह 25 से 30 दिनों में वयस्क होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस समय इनके पंख विकसित नहीं होते हैं, जिसके लिए इन्हें लगभग 15 दिनों का समय और लगता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इनके वयस्क होने के बाद इनका पूरा जीवन इनके खाने पर ही टिका होता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 5 से 6 महीनों का होता है। लेकिन अगर इस बीच बारिश का मौसम शुरू होता है तो चारों तरफ इनके लिए खाना ही खाना होता है, क्योंकि बारिश के समय हर जगह घास पत्तियां उगी होती है। ये टिड्डे बिना भोजन के नहीं रह सकते, और अगर इस बीच बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो इनके लिए खाने की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये झुंड में रहना शुरू कर देते हैं। ये भूख में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये एक दूसरे को भी खाने से नहीं चूकते। अगर बात करें इनके आहार की, तो अगर ये टिड्डे लाखों की संख्या में हो तो ये 500 लोगों के बराबर का भोजन मिनटों में ही चट कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर ये बहुत ही भूखे हैं और इन्हें खाना ना मिले तो ये खाने की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। अगर सटीक तरीके से कहा जाए तो ये टिड्डे एक दिन में 1 मील की दूरी तय कर लेते हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और यही वो कारण भी होता है जो इन टिड्डों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इस बीच बहुत से जीव और पशु पक्षियों की नज़र इन पर पड़ जाती है, जिसके कारण ये उनका शिकार बन जाते हैं। और अगर सटीक तरीके से कहा जाए तो केवल 50% टिड्डे होते हैं जो अपना जीवन काल पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।